आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा छात्र नेता कन्हैया का हत्यारा, डीएसपी ने किया खुलासा। डीएसपी राजेश कुमार प्रभाकर ने हत्या का आरोपी कुश शर्मा की गिरफ्तारी का खुलासा किया है। पटना एयरपोर्ट क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका है। दिनांक 10/3/2020 को होली के दिन शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या हुई थी, जिसमें कि कन्हैया ठाकुर की हत्या कर दी गई थी और कुछ लोग उसमें जख्मी भी हुए थे। दिल्ली में ये भी पनाह लिए हुए थे। हम लोगों को इंटेलिजेंस मिला था कि दिल्ली में ये हैं, वहाँ भी हम लोग मैनुअल इंटेलिजेंस कवर करते हुए इनको कवर कर रहे थे। और रिवार्ड घोषित होने के बाद ये थोड़ा पैनिक ज़्यादा हो गए और हम लोगों ने भी परिवार के लोगों पे दबिश बनाई थी, इनके दोस्तों पे दबिश बनाई थी। तो इन्हें एहसास हुआ कि अब सभी लोग डैमेज हो रहे हैं, तो ये पटना बेचैनी में मिलने आ रहे थे और इनको बिल्कुल फॉलोअप हम लोग कर रहे थे, इनको ट्रैक कर रहे थे। तो इस क्रम में ये पटना एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे इनकी गिरफ्तारी की गई। 10 मार्च को पटेल नगर में हुई हत्याकांड को इसने अंजाम दिया था। घटना में आरोपी कुश के साथ चार लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। अपराधियों ने होली मिलन समारोह में गोली मारी थी। मौके पर मौजूद चंदन और कन्हैया को गोली लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना।